सुपर अस्पताल का काम अंतिम चरण में पहुंचा, बिल्डिंग का काम लगभग पूरा, बस कमी डॉक्टरों और उपकरण की। आग को लेकर किए गए हैं खास इंतजाम जो और कहीं उपलब्ध नहीं है। रीवा की बरसों की प्रतीक्षा जल्द ही समाप्त होने के कगार पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था रीवा शहर में प्रारंभ होने की, तो वह पूरी होती दिख रही है। यह अस्पताल उन मरीजों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है जो अभी जिला अस्पताल संजय गांधी से रेफर होकर इलाज के लिए बाहर जाते थे। ये सब बातें बाद में, आज हम बात करेंगे इस इमारत में कुछ ऐसी सुविधाओं की जो किसी भी अन्य इमारत में जल्दी नज़र नहीं आती। तो आइए चलते हैं सुपर अस्पताल के अंदर और जानते हैं क्या है खास डॉक्टर पाठक से। तो हमारा 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा जो सिविल वर्क है। अब रह गई बात सामान आने की, तो उसके लिए भी हमारा प्रशासन बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। जैसे सामान यहाँ आ जाएगा और नियुक्तियाँ इनके होते ही ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग आपकी बन गई, सामान आने वाला है, ये कब तक माना जाएगी, कब तक आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा और कब? अगस्त। सर कौन कौन से इसमें विभाग रहेंगे और किस तरह के मरीज? न्यूरो है, नेफ्रो है, कार्डियो और न्यूरोलॉजी। मरीज सर कैसे यहाँ? मरीज जो मेडिकल कॉलेज से रिफर होंगे वो पेशेंट है। लगभग कितनी बेड? 220 बेड का यह हॉस्पिटल है। 6 ओटी है और 30 बेड का ICU है। तो सुना आपने, पूरी तरह से सेंट्रलाइज एसी वाली है बिल्डिंग। पीओपी के नीचे लगे स्प्रिंकलर जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आग लगने पर स्वयं प्रारंभ हो जाएंगे। इसका मतलब आग कृत्रिम बरसात कराएगी। यह सुविधा हमारी जानकारी में जल्द आपको कहीं नहीं मिलेगी। वहीं यह दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से फायर प्रूफ है जो कितनी भी तेज आग को 2 घंटे के लिए पूर्णतया रोक लेगा। इसका मतलब इमारत में आग लगने का खतरा नहीं। यही नहीं, टिक लकड़ी से बने इस दरवाजे में जो बीच की खाली जगह दिख रही है उसके कांच भी पूर्णतया फायर प्रूफ होंगे। तो देखा आपने, सुपर अस्पताल में आग लगी तो स्वयं बुझ जाएगी, वह भी स्वयं कृत्रिम बरसात से। इस तरह से सुरक्षा खासकर डॉक्टरों मरीजों के लिए लेकर भी कुछ खास है, इसके बारे में बातें फिर कभी। आज केवल यूनिक बिल्डिंग की यूनिक बात। चलिए नज़र डालते हैं अब अगली खबर पर। आग की क्या खास बात होगी? इसमें फायर गेट लगाए गए हैं, स्प्रिंकलर है लगाए गए हैं, जो दो चीज़ें बहुत यूनिक हैं। और ये पहले से मतलब जो प्रोटोकॉल है इंडियन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के लिए, उन प्रोटोकॉल को यहाँ मेंटेन किया गया है। स्प्रिंकलर लगाए, फुल AC हॉस्पिटल है और सुरक्षा के लिए भी इसमें काफ़ी ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि हर जगह से आदमी नहीं आ जा सकता। दूसरे हॉस्पिटल में हो रहा है, कोई कहीं से घुस रहा है, कहीं से निकल रहा है। आग से बचाने के लिए भी कुछ है? और आग के लिए जो फायर गेट लगाए गए हैं जो 2 घंटे तक वो रोक के रखेंगे।